आज हम लोग ये ड्रैग रेस करने जा रहे हैं न्यू वाली मेट्योर से, जो थंडरवर्ड का अपग्रेड वर्जन आया है, और मेरी थंडरवर्ड देखते हैं कौन सी पावरफुल है। बीएचपी इसमें 1 BHP ज़्यादा है, और टॉर्क मेरे में 1 Nm टॉर्क मेरे में ज़्यादा है। तो बिना देरी किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। कौन 3 हॉर्न बजाओगे भाई तुम? ठीक, मेरे में हॉर्न नहीं है, 3 हॉर्न बजा के एकदम भगा लेना। यार मेट्योर बहुत फास्ट है, मेरी जरा भी नहीं टिकी उसके आगे। मेट्योर तो मुझे यूं हरा के चली गई। वो तो बहुत फास्ट है, जरा सी भी नहीं रुकी। अब एक्सचेंज करेंगे हम लोग। हाँ वो बहुत फास्ट है, अब चेंज करके करते हैं। इस बार मैं 3 हॉर्न दूंगा भाई, और आगे से ये बहुत भारी भी फील हो रही है, उसके आगे ये भारी भी फील हो रही है। ठीक है भाई, 3 हॉर्न पे चलना है। एक मिनट रुक जाओ। ठीक है, कोई चांस ही नहीं है थंडरबर्ड को जीतने का। अभी तो साइड में है, वो राइडर भी मुझसे बहुत हल्का है। अरे यार ये क्या कर रही है, उसको लेके भाग रही थी, मेरे को लेके नहीं भाग रही है, बट निकल गई। ये कैसे भी थंडरबर्ड को हरा सकती है। इस बार थोड़ी देर तक थंडरबर्ड इसके साथ चली, क्योंकि वो राइडर मुझसे बहुत हल्का है। मैं 80 kg का हूँ, वो लगभग 60 का होगा। बट यार ये थोड़ी मतलब अच्छी खासी स्मूथ है उससे, और फास्ट भी है। हाँ वो आगे इसलिए थोड़ी देर तक वो साथ में चली, इसलिए कि तुम बहुत हल्के हो भाई मुझसे। मैं बहुत भारी हूँ। देखा आप लोगों ने, जैसा कि थंडरबर्ड जो पुरानी वाली है, इसका टॉर्क तो ज़्यादा है बट बीएचपी कम है, ऊपर से उसका न्यू वाला इंजन कैसे भी इसको पीछे कर दे रहा है, तुरंत ये पिछड़ जा रही है। दूसरी बार मैं मेट्योर चला रहा था, वो और दूसरा जो राइडर था वो थंडरबर्ड चला रहा था, थंडरबर्ड 350X। तो थोड़ी देर तक तो वो साथ में रहा, बट फिर भी वो पिछड़ गया, वो मेरे से बहुत हल्का था। और पहली बार मैं जब वो मेट्योर को चला रहा था तो मुझे हवा ही नहीं लगने दी उसने, कैसे भी हरा दिया। देख लिया आप लोगों ने इन दोनों बाइकों का कंपेरिजन। बाकी मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।